किने नानी भाई ने मोसा मारे सासू जी देवे नाथ आज रे टेम रे माई ने आ डायजारी और मायदारी इतनी गुरुती हुई जी नाथ के डायजो अगर बेटी ने डायजो देवे तो ही आगलारी भूख मिटे नहीं और फिर कहे थारे बाबा कल वो ना थारे माँ कल वो ना थारे पीरा कल वो ना और नहीं ले जावे तो दूर तड़ ठीक नहीं करो कृष्ण भगवान नानी भाई के चूल्हे जोड़ो
बाकी तो झांसी का नानी भाई है, रियल दिया का परिवार का ये नानी भाई। आओ भाई, जो चूड़ी रेडी में नहीं लिया उसको सरमति को मैंने दाव लगाए सरमति को। इतनी माताओं बैठी है समझना गीत गावे तो कटो माहौल बने। धीरा री माँ की माँ होए आई जो तो गाँव बचे इतनी जगह बैठी हो अपार तो हम मानी आवाज समझनी चाहिए थे गाँव डर तो ये तो गणित से अब आवाज आई है। सबके तिलक आ जाओ, सब तिलक लगाओ आज रानी भाई के मारो फ्रीज है सब बस्ती तिलक लगाओ सा तिलक ये भाग आई बस्ती का हमारा उसके दिन तिलक हुआ है भाई नानी भाई का हाथों अम्मा की मौत खुद नहीं ऐसा सब तिलक लो भगवान धाम तिलक लगा दे रहा राके ये सब तिलक लो आज तो मैं
ਕਪੜੇ ਲੱਤ અરે પરસો મારા ગુજરા બાદલ પરસો સવાયા જી પરસો રાણો રૂપૈયા જી બોલો કળિયારીઓ રાણો રૂપૈયા જી પરસો પરસો સવાયા જી પરસો મારા સાવળ સાથે પરસો Thank you.
Oh,
आठ जागरण कराओ कमाई तो टेन खेल लगाओ, अगर आठ जागरण कराओ तो साउथ खेल लगाओ। गवर्नमेंट ने बताओ ना ले वास्ते निवेदन करू, वो खर्चो धर्म है माको खर्चो नहीं है नेक निम्मत का। हाँ अगर किसी का हर कितना में रिव्यू नहीं आवे तो मैं लोग खर्चो उठावा, निवास तो खर्चो भी धर्म है जो भी माइला का भागवत का आयोजन करता श्री जका की देख रेख में वो सगड़ो काम चल रही है। लगभग 13 दिन ई गांव के संपर्क में है और आपा लोगों ने जबरदस्ती भागवत सुनाई है। आप मुझसे पांच छाट ही मन को नहीं हो लेकिन आज्ञा कर पर हुई ताकि आपा ने वो सुअवसर मिलो। ए लोग बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है। बस्ती का लोग सगड़ा सारी बस्ती और आसपास का जगह पड़ोसी गांव है मन माने सहयोग मिले मां के वास्ते मां लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी गांव की तरफ हूं कोई व्यवस्था अगर व्यास जी के उमा शंकर जी के वास्ते या कमल जी के वास्ते या कोई भी संचालन करता जगह 18 या 21 की टीम है मां के वास्ते कोई व्यवस्था मांग समय पर नहीं हुई है अभी के वास्ते क्षमा चाहूं पूरे गांव की तरफ हूं। और कोई और को सहवास रेखियो कोई छोरो बोल दिए या मैं भी कोई अपशब्द बोल दिए ठीक वास्ते माफी चाहूं। व्यास जी हूं पंडित जी हूं निवेदन करा कि आप लोग बस्ती ने मोटी समझे और माफी दीजियो। आप लोगों को आशीर्वाद दियो भगवान ठाकुर जी को आशीर्वाद दियो ताकि 50 वर्ष के मायने वहां के ही गांव के मायने ये इनको आयोजन कोनी हो जो माने थे कर दिखा दियो। आ मन आशा ही भी कोनी और बिना आशा के भी आप वो काम कर दियो। युवा ठाकुर जी की अनुकंपा हुई जो ठाकुर जी हूं निवेदन करा पूरे गांव का आई कृपा हमेशा बनाया रखे और भजन मंडली हूं और निवेदन करा कि भाई आप लोग बधेरे आप भागवत कथा को स्मरण करायो तीन दिन नानी भाई को मायरो सुनायो और बढ़िया चिंटू भाई जी सब बढ़िया धन्यवाद का पात्र है जगह कम उगम हेली और दरियाव जी महाराज की बाणिया सुनाई भी उन लोगों ने आठा पड़ियो के बाणी भी कोई चीज है सत्संग भी कोई चीज हुए आया टापड़ नहीं किया और भजन वो अंदर चले जावा को मतलब दूसरो हुए सत्संग को मतलब दूसरो है। सत्संग को रूप दिखा दियो सत्संग को महत्व समझा दियो और भाई लोग जगह आराम सुनिया अन्य भी थोड़ो सो विश्वास हो के लोग सत्संग में की समझे तो है पूरा तो ज्ञानी को नहीं लेकिन सुनने का तो आती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देऊं छिंटू भाई ने जगह ये बात हूं माने संतुष्ट किया और आपकी वाणी में बहुत प्रभावित हुआ भी वास्ते आपने धन्यवाद है। सभी ग्रामवासियों की तरफ से आप लोगों का स्वागत है आभार है। जो भी कोई हमारे से कोई यह भूल हुई है उसके लिए माफी चाहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। कल ठीक 12:15 अभिजीत मुहूर्त के मायने आ लोगों को मन यू है कि भाई मैं स्वागत कर सिया तो कल आपकी टीम है जी की अटे रेवे आजाद और आप है जगह को मां को जो भी स्वागत है वो स्वीकार कर जियो। बालाजी युवा बालाजी युवा मंडल की तरफ हूँ 11,000 रुपया गौशाला को मान भेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप बालका ने ताकि ये लोग आपका कोई 100,000-500 बेड़ा कर 11,000 रुपया की राशि गौशाला में दिए पी के वास्ते। और ई समिति को अनुरोध है कि मैं आप लोगों को कल स्वागत करा ठीक 12:15 स्वागत हमारे चिंटू भाई दादी से किया है जोरदार स्वागत क्योंकि बहुत सहयोग खजो और ये लोग सन्मान धन सगा बस्ती सहयोग खजो आया फायदा हाँ जोरदार पाए बजो भैया भगवान करके खाई मतलब आशीर्वाद है जय श्री जो कई सारी चीजें बजे और भाग में देखे सारी बात भी चले चलो सारी बात की सारी कोई बात सारे तो पेट के मायने दवे बीमार पड़े तो यहां तो आप पति करा तो आज सरकार में जो कि भाई वो काम में
महाराज मैं करता हूँ ऊंचा हाथ करा करके मुझे भागवत में आया वो कह रहा मुझे हाथ कर दियो आज मैं काम नहीं करूंगा एक तो गाँव में कोई कड़ी नहीं फेंक रहा और एक पानी खेत के अलावा कभी नहीं फेंक रहा बोले गऊ गोपाल की श्रीमद भागवत पुराण की गांव का लोग जगह जगह ने चाय पानी की व्यवस्था करी ठंडे की व्यवस्था करी और जेठ को महीनो है अधिक मास है बिन मल मास के वे मल मास के मायने ठंडो पानी पायो है वो पानी पायो है रामगंगा जी का लड़का है लूणदास जी मदेरना तन धन्यवाद है के भाई मरमास के मायने मीठो पानी अगर एक टेक निवड़ियो तो दोबारा मंगाए और दोबारा नहीं तो फिर से आयो आज पी के वास्ते कोई कमी कोनी नहीं पी को चाल दो रही हो और चाय पानी की व्यवस्था है यदि मांगीलाल जी थोड़े की तरफ है पीने भी धन्यवाद है कि वो आज 10 दिन के मायने की गर्मी के मायने बाकी चाय की व्यवस्था करी सगड़ा लोग मिठाई आज भी ठंडो चल रहा है पी के मायने हर आदमी रोज को नयो हो देवा देवा के भाई आप लोग ठंडो पानी पिलायो और रसमलाई पिलाई पी के वास्ते और जका बच्चा और जका सेवा करी है बच्चा सबू ज्यादा करी है सरा तो फेर भी निकल जाए आगा पाचा नजर हाजरी का है हाजिर रेवा चांद के उबारा है थोड़ी टोटी हुई जाता रहे लेकिन छोरिया है जी बहुत बढ़िया काम करी है यदि आपको पानी पायो है जबकि आपकी सेवा करी है माँ के वास्ते धन्यवाद है अब आपको आग लो कार्यक्रम पाल गोपाल सामने दो घर सामने दो पाल गोपाल साहब सबने 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 आप फाइना है हाँ अब ईश्वरदास जी कलाकार सामने आवे मंच पर बाको स्वागत करेला गजेंद्र सिंह जी अरे 10 दिन भजन होना है ताली तो बजाओ पूरा कहीं देखो पहले मजा वो करो भाई आपके साया का खर्चा ही कर दी आशा पधारो वेद आशा वेदपाल जी कलाकार तेजपाल जी तेजपाल जी तेजपाल जी आपको स्वागत है रामूराम जी शाह करसी खड़े बजाओ हाँ साहब हाँ निवासी खोखरी खड़े बजाओ तो पाजब पायल स्टूडियो ओम जी एक स्वागत कलाकार को स्वागत करें शुभ जी पीटीआई जी ओम जी महाराज साउंड बालाजी साउंड और अब पायल स्टूडियो पायल स्टूडियो वाले को स्वागत पायल स्टूडियो कमल जी तवा आओ सा पायल स्टूडियो का नाम है हरमान वसल हाँ सा पायल स्टूडियो वाला और जो कन्या इन 10 दिन के महीने सहायता करिए सहयोग बनी है सहयोग में तो पूजा कुमारी पूजा मैं सभी चारों जना आ जाओ नाम अब कमल करी परिवार एड़ा हुए राजकन्या और धार्मिक कार्य में रुचि ले गए तो भगवान हर घर महीने ऐसी धार्मिक कन्या सुबह 4 बजे में कोई भी काम कहता तो कहता बाल जी में तब फिर 10 दिन या जो कोषाध्यक्ष का काम आपने संभाला है तो व्यास पीठ से मैं निवेदन करता हूँ विनोद भाई कथा व्यास जिनका हार्दिक अभिनंदन है वह भगवान को भजन करती रहे तो पैरण में ले जाओ ना भाई दूसरा आपका गाँव का बच्चा है ब्राह्मण को बेटो है भाई नरोत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और तो और सबसे बड़ी बात आपने बताऊं कि नागौर गौशाला में विकराल रूप चीजे भागो भाई मैं लोग सगा यू फेरो फेरो फोटो लो सो जोरदार ताली स्वागत नवे को मंडल का मारा सागना हूँ आशीर्वाद चरण स्पर्श कर पकड़ पकड़ आशीर्वाद ले वो करो कोई से उस बढ़िया रेसी खर्चा जाओ काम ठीक कौन लगे आई हूँ मान कर
भरत गोटिया और टबर है जगो पानी पानी में और सेवा कर रही हो वास्ते इनको सम्मान करा श्याम सुंदर मदेरना जगह लूणदास जी का हम संभालियो जगह बुढ़ाओ जी ने भी रुझियो ये वास्ते टाइम पर आयो हाथ तू जाती है तो हर महीना जागरण मिलावे बिगमान खर्चो मांगो कौन लागे नहीं आपका आपके स्तर पर खंडे में अशोक खंडेलवाल पिया बामना गांव को सगड़ा हूँ मेल जोड़ रखे और नाई को काम मेल जोड़ को है काम तो ही ठीक है को ऊनी बात निकल कर रही वास्ते ठीक काम बड़ी भाईओ है नाची भी गणी ये वास्ते मारा साहब ना हूँ सबको फेरा वहां आईंदा दूंगो गुजारे पर कोई प्रोग्राम हुए भी भाई हाँ आ संगीता ओमदास जी की लड़की है राजूदास जी की पोती है दोजू माया बहुत सेवा करी और सब ज्यादा अखादास जी को लड़को है और रेवे जयपुर है ज्यादा अटबद रहे लेकिन अब के सौ के मिलियो जो भागवत मरियो भाग दौड़ करी सेवा करी महेंद्र गोटिया नवी उपमंडल को सदस्य है और सेवा करी की सेवा के वास्ते सम्मानित कर जाए धन्यवाद लटवट बाब केसरिया जाओ जान पाते
रूप ध्यान के मोती मेराती अनहद जानर सब दय करना अनहद जानर सब दय करना इस दिन सेव करे इस दिन सेव करे आनंद यार आसम देव आनंद यार आसम देव दरिया मरे